चलने में बिजी हो जाओ, वचन को पूरा करने में बिजी हो जाओ, उसकी आज्ञा को पवित्रता को पूरा करने में बिजी हो जाओ, फिर परमेश्वर भी बिजी हो जाएगा आपके कामों को कराने में। और जब आप पवित्रता में चलोगे, पहले आज के जमाने में तो बहुत तरक्की होगी, जब हम छोटे थे हम डीवीडी लगाते थे, या किसी की शादी हुई चलो भी उस पड़ोसी की मामले टाइम पास करेंगे, चलो भी शादी हुई चल रहा डीवीडी देखने से, कोई फंक्शन हुआ चलो भी डीवीडी आ गई चलाओ देखो, 3 घंटे बैठो टीवी क्या की, उसके अंदर एक बटन होता है फास्ट फॉरवर्ड, किस किस को पता है? होता था ना, बटन दबाता ही क्या होता था, पहले 10 गुना तेजी से आगे बढ़ती थी वीडियो, जो पार्ट नहीं देखना उसको आगे करो, समझ रहे, ध्यान लगाओ सारे बिलो खा ले, बटन लगाया, बटन दबाया, पहले 10 गुना तेजी से वीडियो आगे चढ़ रही है, जो नहीं देख रहा वो निकल गया, अगर और तेज और जल्दी है एक और बार दबाया 20 गुना से, एक और बार दबाया 40 गुना 100 गुना स्पीड से वीडियो चली जाती, होती है कि नहीं? अगर आपको ये बटन चाहिए अपने जीवन में कि तेजी से बाहर आओ अपनी मुश्किलों से, अपनी परेशानी बीमारी से, पवित्रता को ले लो और फिर दबाओ पवित्रता का बटन और तेजी से बाहर, बंधनों से बाहर, समझ गए फॉर्मूला? कौन कौन बटन लगा रहा है? बटन पवित्रता का, बोलो मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्रता में चलूंगा, मैं होलीनेस में चलूंगा। सुनो, दिल पे इसने हाथ रखा है, अब याद रखना, अब वाचा बांधी है पवित्रता की, कोई पाप गलती गुनाह नहीं करना, पवित्रता का बटन दबाओ और आगे चलते जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य में। जो पवित्र हुएंगे वो फास्ट फॉरवर्ड होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम। आते ही मैंने क्या बोला था, अभी क्या प्रार्थना करवाई बैठाने से पहले, कि नए लेवल पे जाने के लिए मैं तैयार हूँ, जो तैयार है वो पवित्र है, जो पवित्र है वो तैयार है, जो आज से पवित्रता में चलेंगे वो कर क्या रहे हैं, उनको बटन भी सोचने की जरूरत नहीं है, बटन भी दबाने की जरूरत नहीं, उनको बस पवित्रता में चलने की जरूरत, कदम कदम पवित्रता में जब चलता है, होलीनेस में चलता है, पाप रहित जीवन में चलता है, शुद्ध श्वेत पवित्र जीवन में जब चलता है, तो बटन दब रहे हैं, बटन क्या दब रहे हैं, वो बटन दब रहे हैं, अभी कर जाए पवित्रता में बिजी है, पता नहीं चला कब खत्म हो, क्या हुआ, फास्ट हो गया जी, क्या हुआ, बीमारी है बहुत सालों से ठीक नहीं हो रही, बहुत प्रार्थना कर ली करा ली, अरे परमेश्वर कह रहा है पवित्र हो जा, पवित्र हो गए, कब बाहर आ गए पता नहीं, क्या हो गए पवित्र, समझ रहे हैं, कौन कौन समझ रहा है, अपनी मजबूरी ना बोलना परमेश्वर को, वो परमेश्वर है, वो जानता है आपके दिल की इच्छा कि दिल में क्या है, मुंह में क्या है, वो सब कुछ जानता है, वो मनों को गढ़ता है, मनों को रचता है, मनों को जांचता है, समझ रहे हैं कि नहीं, अगर परमेश्वर चाहे आपको मोड़ सकता है, अपनी मर्जी से चला सकता है, अगर परमेश्वर चाहे, अगर परमेश्वर चाहे आपको कठपुतली बना के इस्तेमाल कर सकता है, कि भाई तू पवित्रता में ही चलेगा, पर उसमें फायदा क्या, उसने जब बुद्धि दे दी इंसान को अलग कर दिया जानवरों से, तो बुद्धि से पवित्रता से, समझ रहे कि नहीं, तो याद रखोगे आज से कि अगर तेजी से अपने जीवन के नए लेवल पे पहुंच रहे हैं, नई पौड़ी चढ़नी है, तो पवित्रता में बिजी हो, पवित्र लोग बने, जब पवित्रता आएगी जीवन में, पवित्रता में ऐसी कृपा, एक ऐसा आशीर्वाद आप देखोगे अपने जीवन में, जो भी मांग रहे थे यहाँ पे आके, जो भी बोल रहे थे कि यहाँ आने से मिले, वो पवित्रता में चलने से मिलेगा।